आप वहां पे गिरे हो, गालियां खा रहे हो लोगों से, अपने क्वालिटी से आगे जाओ, मुंह पे गालियां दे के जाएंगे, फेम के लिए खड़ा है। नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो ये वाली वीडियो स्पेशली एक जाहिल के लिए है, पढ़े लिखे जाहिल के लिए, जो आजकल बहुत ही तारीफों के पुल बन रहे हैं भाई के लिए, बहुत ही कमाल के, और वो डिजर्व भी करते हैं इस चीज़ को। तो गाइस, आज का जो वर्कआउट था ना, वो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त था। तो मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ भैया, एक इंसान है रोस्ट हो रहा बहुत ही ज़बरदस्त, और वो अपने कहते हैं ना, कर्मों की वजह से हो रहा है, टैलेंट की वजह से। पहले भाई ने बहुत बहुत बड़े बड़े लोगों का इंटरव्यू लिया, उनसे बहुत सारा ज्ञान लिया कि आप डाइट के दौरान क्या क्या खाते हो, उठते हो क्या खाते हो, सोते हो क्या खाते हो, स्टेज पर चढ़ते हो तो क्या खाते हो, और आज वो इंसान उनसे अपोजिट जा रहा है, चीज़ों को लेके लोगों को गलत गाइड कर रहा है। देखो, लोग तो गाइड नहीं होंगे, पर आप कहीं ना कहीं डिजर्व करते थे, पर आज के दिन नहीं करते लोग आपका। जब बोलते थे यार वो भाई है बहुत अच्छा इंटरव्यू लेता है, हम उनसे मिलेंगे, तो एक प्राउड फील करते थे, यार एक बंदा है बहुत ही बढ़िया बंदा है, उसने बॉडी बिल्डिंग लाइन में गया, इंटरव्यू लिए, आज वो एथलीट बनने की कोशिश कर रहा है। आपने वही किया, कोशिश की आपने, और उसके बाद आप वहां पे गिरे हो जहां से उठ नहीं पाओ जिंदगी में। आपने जो हरकतें कर रहे हो ना, कि आप ड्रिंक लो, आप मैगी लो, आप परफ्यूम लगाओ, आप रात को ये करो वो करो, गंदे गंदे इशारे कर रहे हो, तो भैया आपने जो डिजर्व करते थे वो चीजें खत्म कर दी हैं। आज सिर्फ आप गालियां खा रहे हो लोगों से और कुछ नहीं। पहले थोड़ी बहुत रिस्पेक्ट करते थे लोग, जब आपसे मिलते थे, सेल्फी लेते, तो आज सिर्फ गालियां। दो चीजें होती है, सोशल मीडिया पे फेमस होने के लिए आप डिजर्व करते हो, यार एक बंदा है, जैसे हमारे रूबल भाई हैं, हमारे बड़े भाई हैं, रिस्पेक्ट से उनका नाम लिया जाता है, और वो इंसान कभी भी कंट्रोवर्सी में नहीं आता और अच्छी चीज़ों को प्रमोट करता है, और मैं उसको तो सैल्यूट करता हूँ। उनसे काफ़ी चीज़ें मैं सीखता हूँ, अपनी जॉब है, अपने बच्चे, अपनी फैमिली है, अपने एथलीट है, ऐसे ऐसे एथलीट से वो मिलता है। शायद अब तक हमारे जो इंडिया के दो चार एथलीट ही उनसे मिल पाए हैं। और एक कुछ इंसान है भैया, एक सामने साइड में एक कोच खड़ा कर लेते हैं, अपना कोट पैंट पहनाया और किताबी ज्ञान पेलना शुरू। अरे ये क्या खा रहे हो आप, आपका चीट डे है, तो चीट डे वाले दिन तो आप ये क्या खा रहे हो, फ्रूट खा रहे हो आप चिकन खा रहे हो, आप ये खा रहे हो, फिर आप कहते हैं नहीं नहीं आपकी तो डाइट लेनी चाहिए, तो चलो एक काम करो आप मैगी ले लो, ठीक है। तो भैया यही बोलना चाहूँगा दोबारा से, दो तरीके से फेमस हो जाते हैं, एक अच्छा बन के एक बुरा बन के। तो आपने सोशल मीडिया तो कमा लिया था, लोगों के जा जा के घरों में जा जा के इंटरव्यू ले लेके, आज सिर्फ 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 आप गालियाँ खा रहे हो। अगर आपके पास कान है, आँख है, तो अपने कमेंट पढ़ो और उनको फील करो कि लोग क्या बोल रहे हैं आपके बारे में। तो जो भी आपके साइड में खड़ा हो गया, वो सिर्फ एक फेम के लिए खड़ा है, वो भी गालियाँ ही खा रहा है, उसको भी कुछ नहीं मिलने वाला, पर एक इंसान था जिसने आपको यहाँ तक पहुँचाया, शायद आप उसको भूल गए हो, और वो इंसान पूरी ज़िंदगी डिजर्व करेगा कि उसने एक एथलीट तैयार किया था और उसके बाद वो कचरा बन गया है जो आज लोगों की नज़र में है। तो भैया अपना किसी से हेट नहीं है, बस यही कहना चाहूँगा, एथलीट बनो, कूड़ा नहीं। आज हम हैं, हम जिम जाते हैं, तो भैया हमें नहीं है ज़्यादा ज्ञान, पर जितना है हम उतना बता दें, भैया हम सुबह उठते हैं, हम ये खाते हैं, हम जिम जाते हैं, तो हम रोज़ ही अपनी वीडियोस में इंजेक्शन प्रोटीन ये वो एक्स वाई जेड नहीं दिखाते, ठीक है। अपनी क्वालिटी से आगे जाओ, बकवास करके हर कोई जा सकता है, और आज सिर्फ सिर्फ तुम गालियाँ खाते हो और वो तुम डिज़र्व करते हो अपनी हरकतों की वजह से। और किसी दिन जब भीड़ में खड़े होंगे ना, और जस्ट 10 लोग तुम्हें मुंह पे गालियाँ दे के जाएंगे, तब तुम्हें अच्छा लगेगा, तुम कहोगे यार क्या बात है, ये कमाया मैंने, और वो हकीकत में कमाया तुम्हें। और मुझे लग रहा है तुम्हारे जो आसपास के लोग हैं ना, वो भी तुम्हें यही गाइड करते हैं कि तुम ऐसा ही बोलो जिससे तुम्हें फेम मिलेगा, क्योंकि ना तुम ना एक डब्बे में बंद हो गए थे, तुम्हें बाहर निकलना था, तो तुमने क्या सोचा कि यार ऐसी उठपटांग हरकतें करता हूँ और उसके बाद हर पेज पर मैं ही दिखूँगा। तो भैया हर पेज पर कचरा दिख जाता है, और वो तुम हो और दिख भी रहे हो, तो डिज़र्व कर रहे हो इस चीज़ों को, तो बस यही कहना चाहूँगा। तो नूर खान भाई, आपने ज़िंदगी में बहुत सारे लोगों को ट्रेंड किया होगा, तो आपने सोचा होगा कि मुझसे कौन सी गलती हो गई, कौन सा पाप हो गया कि मैंने एक जाहिल को ट्रेनिंग दी और उसको कोशिश किया कि एथलीट बना पाऊँ। पर क्या होता है ना भैया, कुत्ते की पूंछ 50 साल भी पाइप वाइप में डालोगे ना, सीधी नहीं होती, और वही हुआ है। तो आज की वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं, नमस्कार, अल्लाह हाफिज़, ध्यान रखिए, सेफ रहें, और क्या होता है ना, कर्म करो यार, चीज़ें अच्छी करोगे ना तो इज्जत मिलेगी, नहीं तो भैया लोग फ्री बैठे हैं, लोग घर से परेशान हैं, गालियां देने के लिए तैयार बैठे हैं, याद रखना तुम।